नमस्कार बच्चों, मैं उषा रानी सिलाई सेक्शन से। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में मेरे बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि मैम हमारे पास सुई धागा नहीं है। तो आज जो मैं एक्टिविटी लेकर आई हूँ उसमें हम सुई धागे या कैंची का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो हम सामान यूज़ करने वाले हैं वो है ये, जैसे कि टावल या हैंकीज, रबड़ बैंड और फेविकॉल। तो सबसे पहले हम अपने हैंकी को ऐसे फैलाएंगे, फिर साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। आधे हैंकी को इतना इधर से फोल्ड करेंगे और आधे को उधर से। कुछ इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। फिर इसको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम ऐसे करेंगे और यहाँ एक रबड़ बैंड लगा देंगे। कुछ इस तरीके से रबड़ बैंड लगाने के बाद में ये ऐसे दिखेगा। फिर एक रबड़ इधर लगाएंगे और एक रबड़ इधर। देखिए बच्चों, रबड़ बैंड लगाने के बाद में ये यहाँ पर इसके कान या चोटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम इसके फीचर्स बनाएंगे। अगर आपके पास घर में गूगली आईज हैं तो आप उनका यूज़ करें, या बिंदी का यूज़ करें, या फिर आप ड्रॉ करके भी पेस्ट कर सकते हो। देखिए बच्चों, मैंने इसकी आईज, नोज़ और माउथ को ड्रॉ करके कट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हो घर पर, और इनको यहाँ पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो देखा बच्चों, हमने इसको बिना सिले ही कितने अच्छे तरीके से बनाया है। आप इसी तरीके से घर में बिना सुई धागे के इस तरीके के टॉय बना सकते हैं। अब इसके बाद में मैं दूसरा एक और बनी बनाकर दिखाऊंगी। एक स्मॉल बनी या रैबिट बनाने के लिए भी हम एक रुमाल या टावल का टुकड़ा लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें ऐसे रखना है और इसको थोड़ा सा ऐसे, और उसी तरीके से इसको ऐसे दोनों को यहाँ पकड़ के एक रबड़ बैंड लगा देंगे। रबड़ बैंड लगाने के बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ऐसे पीछे लेके जाएंगे ऐसे। यहाँ पर एक रबड़ बैंड लगा देंगे, या आप इसको ऐसे सेट करके फिर रबड़ बैंड लगा सकते हो। इस तरीके से रबड़ बैंड से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारे बनी के पैर। अब यहाँ पर हम इसकी आईज़, नोज़ उसी तरीके से पेस्ट करके ड्रॉ करके चिपका लेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों, बनी की आंखें, नोज़ और उसकी मूछें होती हैं वो हमने ऐसे ड्रॉ करके और कट कर ली हैं, और इनको हम अपने बनी के मुंह पर चिपका देंगे। तो देखो बच्चों, हमारा बनी रैबिट भी तैयार है और ये टॉय भी तैयार है। तो देखा बच्चों, हमने बिना सुई धागे के ही कितने अच्छे रैबिट और ये टॉय तैयार किया है। आप इसी तरीके से घर पर रहकर इनको बना सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की ये एक्टिविटी पसंद आई होगी, और आप बिना सुई धागे के ही इसको घर पर बनाने का प्रयास करेंगे। घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।